जेजेस किचन, मैं हूँ आपकी फ्रेंड ज्योति जानी। इससे पहले जेजेस किचन में मैंने आपको चीज गार्लिक टोस्ट की रेसिपी शेयर की थी, आज मैं आपको स्टफ चीज गार्लिक ब्रेड स्टिक्स की रेसिपी शेयर करूंगी, जो आपने कैफे में और रेस्टोरेंट में खाया ही होगा। वैसे ही आप सेम और बड़ी इजीली घर पे भी बना सकते हैं, तो चलिए मेरे साथ रेसिपी देखिए और आप भी घर पे बनाइए। यहाँ पर मैंने एक बाउल में 2 टेबलस्पून बटर लिया है और उसमें मैं ये जो गार्लिक की मैंने 15-20 पॉड्स कलियाँ जो है वो मैंने क्रश कर ली है और मैं इसमें से थोड़ा सा ही डालूंगी। अगर आपको गार्लिक का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप सारा यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ बारीक कटी हुई ये जो धनिया है वो मैं इसमें डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 चुटकी ओरिगेनो डाल रही हूँ। ये चिली फ्लेक्स है, ये चिली फ्लेक्स में 1 टीस्पून जितना मैंने ऐड किया है, 1 टीस्पून मैंने ओरिगेनो लिया है। और अब इसको सबको हम मिक्स कर लेंगे। आपने मेरी चीज़ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी देखी हो तो मैंने ऐसे ही बटर में गार्लिक मिक्सिंग किया था। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हम स्टफ़ चीज़ गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं, तो ये इंग्रेडिएंट सेम होंगे पर थोड़ा सा डिफरेंट भी रहेगा। ये हमारा बटर मिक्स हो गया है तो ये हम इसको हम ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। तो अगर आपको थोड़ा सॉल्ट ज़्यादा पसंद है तो इसी स्टेज पे आप एक थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, पर बटर में प्रॉपर होता है सॉल्ट। और हम यहाँ पर चीज़ भी ऐड करने वाले हैं तो मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है। यहाँ पर मैंने 4 स्लाइस ब्रेड लिए है, ये मेरे वाइट ब्रेड है। आपको अगर ब्राउन ब्रेड पसंद है तो आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। इसको इस तरह से हम लगा देंगे ब्रेड पे। इतनी अच्छी गार्लिक की स्मेल आ रही है, जो गार्लिक लवर्स है उनको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं तो मैं यहाँ पर ग्रीन चिलीज ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो आप बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे ब्रेड रेडी है, अब इसको हम आगे प्रोसेस करेंगे। ये जो हमने ब्रेड स्लाइस रेडी किए ये मैं यहाँ पर रखूँगी। मैंने मीडियम आंच पे ये तवा को गर्म कर दिया है, नॉन स्टिक पैन को। अभी ये जो है ब्रेड ये हम इस तरह से रख देंगे। अब मैं यहाँ पर जो वेजीज थोड़े से डालने हैं वो डालूंगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी वेजीज आपको चाहिए, यहाँ पर मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं जो हाफ बॉइल है। आप प्याज भी डाल सकते हैं या जो भी आपको पसंद है। ये मैंने बारीक कटी हुई कैप्सिकम ली है। यहाँ पर आप एलोपिनोज और ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे डोमिनोज में स्टफ गार्लिक ब्रेड में होता है। अब यहाँ पर मैंने चीज क्यूब्स जो थे उसको मैंने इस तरह से बारीक पीसेस कर लिए हैं। इसको भी हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे यहाँ पर, और एकदम से चीजी हो जाते कि लगेगा, क्योंकि हम इस तरह से चीज डाल रहे हैं तो चीज जब मेल्ट होगी ना तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट बना रहेगा। अब ये मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ है, इसको ग्रेटेड आज मिल रहा है वही ले लिया है। अब इसको भी हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। अब इस तरह से हमने कर लिया है और ये जो हमने लगाया था इसको मैं इस तरह से इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके लगा देंगे। अब ये जो हमारा बटर हमने रेडी किया था ये भी हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे, ताकि हमें अंदर से और बाहर से सेम चीजी गार्लिक का टेस्ट मिल जाए। अब इसको ना मैं फ्लिप कर दूंगी थोड़ा सा, ये जो है इस तरह से, ताकि ये जो साइड हमारी है थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो गई है, तो ये हमें इस पे भी बटर लगाना है। देखिए ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो गई है और तो हम जरा जरा सा इस पे भी लगा देंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और फटाफट से अगर कुछ नाश्ता बनाना है या
कुछ डिफरेंट खाना है तो ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारे स्टफ चीज गार्लिक ब्रेड रेडी है। मैंने इसको स्टिक्स के फॉर्म में कट किया है, अगर आपको बड़े पीसेस चाहिए तो आप थोड़े बड़े भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे स्टफ चीज गार्लिक ब्रेड स्टिक्स रेडी है। ये मैंने टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप देखिए मैं आपको एक बता रही हूँ कैसे इसको है, इसको अच्छे से चीज देखो, ये देखिए कितना अच्छा इसका लेयर देखिए, ये देखिए चीज ही है ना, गरम गरमा गरम चीज की कैसी अच्छी ये दिख रहा है, ये देखिए यम्मी, आ गया ना मुंह में पानी। तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप अपने कमेंट्स लिखना आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। थैंक यू।